प्रिय दर्शकों, पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने आप को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए, हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। अच्छा, उसके पूर्व कुछ घोषणाएं हैं जो मैं करना चाहता हूं। श्री तारा चंद जी, मलूक चंद जी, श्रीमती दमयंती बेन चौवटिया परिवार, भंडार निवासी, जिला सिरोही, राजस्थान, सारप्राई लिमिटेड, सारप्राई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर, ये श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय से संबद्ध हैं। कह रहे हैं बेंगलोर की तरफ से कटनी गौशाला में पशुओं के घास एवं चारे के लिए 2 लाख रुपए की संप्रेम भेंट हमें आपके साथ जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए हम ईश्वर से कृतज्ञ हैं। हम गुरुदेव का शंका समाधान प्रोग्राम जहाँ कहीं भी हो अचूक देखते हैं। आप जिस तरह से हर कठिन से कठिन प्रश्न का समाधान दे रहे हैं गुरुदेव, आप जिस सहजता से आज के वर्तमान काल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए करते हैं, हम उसके कायल हैं। आज के युग में ऐसे ज्ञानी, प्रभावशाली एवं ज्ञान के कुबेर महात्मा के सत्संग का लाभ हमें बेंगलोर बैठे बैठे मिल रहा है, इसके लिए हम ईश्वर के अत्यंत आभारी हैं। हे गुरुदेव, हम आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसे शुभ कार्य करते रहें एवं ईश्वर का और आपका आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार पर सतत बना रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, ताराचंद जी को मेरे आशीर्वाद, उनका इसी तरह धर्म भाव बना रहे। दूर बैठ करके भी उन्होंने एक अच्छी प्रेरणा पाई है, इस प्रेरणा को अपने जीवन की एक स्थायी उपलब्धि बनाएं और अपने जीवन के परम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिवार के साथ आगे बढ़े, मेरा यही आशीर्वाद। बंधुओं, श्री मिठाई लाल जी, नीलेश कुमार जी, रानू जैन परिधान परिवार ने धर्म प्रभावना समिति के लिए एवं गौशाला के लिए 16,000 रुपये की राशि की प्रदान की है। श्री प्रेमचंद जी, अनिल कुमार जी, अमित कुमार जी कटारे, इन्होंने धर्म प्रभावना समिति के लिए 11,000 रुपये और गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री पदम कुमार, पीयूष कुमार, पर्व, पार्थ, केवी के परिवार, इन्होंने धर्म भावना समिति एवं गौशाला हेतु 27,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती शशि कांता, विपिन कुमार, इन्होंने भी 36 गौशाला गंज बसौदा से हैं, इन्होंने भी 36 गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री विजय कुमार, नैतिक जैन, कोलकाता, इन्होंने भी 36 एवं गौशाला, श्री विजय कुमार जी शरावगी, नैतिक जैन, कोलकाता निवासी, इन्होंने भी धर्म प्रवना समिति एवं गौशाला हेतु 22,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन पहाड़िया एंड श्रीमती रीता जैन, पीयूष जैन, नविता जैन पहाड़िया परिवार कोलकाता, जो यहाँ अपने मधुर स्वर में हम लोगों को पूजा में आनंदित कर रहे हैं, इन्होंने भी धर्म भावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार कटनी, जो हमारे धर्म भावना समिति के मुख्य संयोजक हैं, इन्होंने भी 11,000 रुपये धर्म भावना समिति के लिए प्रदान की है। श्री मुन्ना लाल दोबारा दिया है। श्री मुकेश कुमार जी, कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली गुनाटन ट्रस्टी, इन्होंने भी धर्म भावना समिति के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। और इसी के साथ श्री हो गया
श्रीमती पिंकी जैन, श्री पवन कुमार जैन, रोहित रोमिल जैन पनागर, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगलमय, गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। और अब चलिए मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना हमारे विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है, एवं यह आवाज सुनने की कला का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हे गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। अंतरात्मा की आवाज सुनना हमारे जीवन के विकास में किस प्रकार सहायक हो सकता है और उसे सुनने की क्या कला है। देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ यानी अंतर मन की पुकार, प्रायः जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं हमारे अंदर से एक पुकार उठती है कि ये मत करो, लेकिन हम लोग धीरे धीरे उसे प्रायः नकार देते हैं और धीरे धीरे हमारी वो आवाज़ दबने लगती है और वैसे अकृत्य हमारे संस्कार के हिस्से बन जाते हैं। यदि हमारे मन में कोई बात ऐसी आए, खासकर गलत कृत्यों के प्रति किसे नहीं करना, और उसे हमने स्वीकार लिया और उसको स्वीकार करके ऐसे कृत्यों से अपने आप को विमुख कर लिया, तो ये हमारे जीवन के सुधार का एक बहुत बड़ा निमित्त बन सकता है। आप याद करो, आपके जीवन में आपने सबसे पहले जो भी बुरा कार्य किया हो, स्कूल में अपने साथी की पेन उठाई हो, जब पहली बार उसके पेन को चुराने के भाव से उठाया होगा, आपके मन ने आपको बार बार कहा होगा ये गलत काम है ऐसा मत करो, गलत काम है ऐसा मत करो, गलत काम है ऐसा मत करो, लेकिन पेन के आकर्षण ने उस आवाज को दबाया, चलो उठा ले दो ना, क्या दिक्कत है, कोई देख थोड़ी रहा है, हो जाएगा, थोड़ी पकड़ में आएगा, अंदर से मन कह रहा है गलत काम है मत करो, पर दूसरा मन कह रहा है कोई देख थोड़ी रहा है, बहुत अच्छी चीज है, उठा लो उठा लो उठा लो। अंदर की आवाज को हमने अनसुना किया और पेन उठा लिया। पहली बार पेन उठाया, अंदर की आवाज भारी थी, लेकिन हमने उसे अनसुना किया, पेन आ गया। दूसरी बार घर से पैसे उठाने का मन हो गया, पैसा उठाते उठाते भी मन में लगा कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, अंदर से आवाज आ रही है ठीक नहीं है, मन कहता है कौन देख रहा है, उठा तो लो, मौज करने का अच्छा मौका है। आपने पैसे उठा लिए, अपने अंतर की आवाज को आपने अनसुना किया और बाहर की आकर्षण में मुग्ध हुए, चीजों को उठाने लगे। एक पेन को उठाने वाला व्यक्ति आगे चलकर एक शातिर, चोर और बदमाश भी बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गलत कार्यों के प्रति हमारा अंतर्मन जब कभी हमें रोके, हमें तत्क्षण उसकी पुकार सुननी चाहिए और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए। जिस काम के लिए मन गमारा नहीं कर रहा है वो करना ही नहीं, उसके लिए क्या करे, संकल्प। मन में आया संकल्प, अच्छे कार्य के लिए नकारात्मकता आए उसे नजरअंदाज करो, बुरे कार्य के लिए भीतर से अनुमति ना हो कतई मत करो। और यदि व्यक्ति ऐसा करने लगे तो उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है, ये इसके जीवन के सुधार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। तो हमें उस तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहिए और एक सिद्धांत बना लेना चाहिए कि जिस बात को मेरी अंतरात्मा स्वीकार न करे
मुझे वो स्वप्न में भी नहीं करना है। ये हमारे जीवन की सुधार का एक बहुत अच्छा माध्यम है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अखिलेश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव स्वामी कात्यायनप्रेक्षा की संस्कृत टीका एवं तत्वज्ञान तरंगिणी नामक शास्त्रों में उल्लेख है कि पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या अधिकतम 4-5 होगी, अष्टबाहुड़ में मिथ्या दृष्टियों की वंदना का निषेध किया है, अतः हम कैसे बच सकते हैं मिथ्या दृष्टियों से? देखिए, सम्यक दृष्टि 2-4 है ना, ठीक है, पर ये तो नहीं बताया कि यही सम्यक दृष्टि है बाकी सब मिथ्या दृष्टि है। अगर हमारी दृष्टि पवित्र है तो हम सब में सम्यक दृष्टि के दर्शन कर सकते हैं। जब हम भगवान के बिंब में भगवान का दर्शन कर सकते हैं तो जीते जागते इंसान में सम्यक्त्व का दर्शन क्यों नहीं कर सकते? सामने वाले के भीतर क्या है मुझे वो देखने की क्या जो जरूरत नहीं, मुझे केवल ये देखने की जरूरत है कि उसके बाहर को मिथ्यात्व तो नहीं दिख रहा है, बाहर से वो पवित्र दिख रहा है कि नहीं, उसके भीतर सम्यक्त है या नहीं, सम्यक्त की झलक दिख रही कि नहीं। यदि बाहर सही है तो वो हमारे लिए स्वीकार है और वही हमारे लिए बंधनी है। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम देख ले कि ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। क्रिया को हम देख सकते हैं और क्रिया और व्यवहार को देख करके हम उनके साथ अपना सर्व व्यवहार करें। भाव किसका क्या है कोई पता नहीं। आपको एक बात बताऊं आगम की, एक अभव्य मुनि से दीक्षा लेने वाला मुनि, गुरु अभव्य है और दीक्षा लेने वाला शिष्य मोक्ष जा सकता है। किसको देखकर दीक्षा ले, किससे प्रेरणा पाए? ये बाहर की मुद्रा निर्दोष चर्या अंतरंग का नहीं। इसलिए इन सब ग्रंथों को आप पढ़ो तो उसका आशय पकड़ो। जो ये कहा गया कि 2-4 हैं, इसका मतलब दुर्लभ है, उंगलियों में गिनने लायक है, नहीं है ऐसा नहीं ना, तो क्यों ना हम उन्हीं 2-4 में अपना स्थान बनाएं। और एक बात बताओ, उन्हीं आचार्य गुंदकुंद ने कहा अमरान बंदियानम युवम गठून शील सयानम जे गारवम करेंते जिन धब्ब विवज्जियाम थे। देवों के द्वारा बंदनी शील सहित महामुनियों के जिन धर्म से बहिर्भूत कहलाते सहज उत्पन्नम रूपम गठुम जो नमन नये मच्छरियो सो संयम परिवन्नो जिन धम्म विवज्जियो हो दी। सहज उत्पन्न यथा जात रूप को देख करके जो मासर से भरकर उनका अनादर करता है वो संयम का प्रतिपक्षी है, जीव धर्म से बहिर्भूत है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हमें समझने लायक है। हमारे देखने में जो आए उसे हम देखें, अंदर के भावों को मापने का कोई पैमाना हमारे हाथ में नहीं। पूज्यदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता राजा बहादुर जैन कह रही हैं कि दिगंबरत्व और नग्नता में क्या अंतर है? देखिए, दिगंबरत्व और नग्नता में मौलिक अंतर है। नग्न वो है जो निर्वस्त है, दिगंबर वो है जिसने दिशाओं को अपना अंबर यानी वस्त्र बना लिया। जिसने दिशाओं को अपना वस्त्र बनाकर अपनी लज्जा मर्यादा संतोष सबको सुरक्षित रखा है। दिगंबरत्व में साधुता दिखती है और नग्नता में विकार। नग्नता मन का विकार है और दिगंबरत्व जीवन का श्रृंगार। दोनों को एक कभी नहीं कह सकते।
कपड़ा उतार लेना मात दिगंबरत्व नहीं है। दिशाओं को अपना वस्त्र बनाकर जीवन को मर्यादा के साथ जीने का नाम दिगंबरत्व है। जिसमें संयमशील का आवरण हो उसका नाम दिगंबरत्व है। इसलिए दोनों को एक कभी मत समझना। पुजुरुदेव कोची केरला से अजय लोनावत कह रहे हैं, गुरुदेव हम लोगों को ज्यादातर समझाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें समझने की कोशिश नहीं, क्या उचित है? हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को समझें इसके पहले कि उन्हें समझाने की सोचें? समझाने की कोशिशें ज्यादा होती है, समझने की कोशिश कम। आपका पूछना है हम क्या करें कि समझें या समझाएं। मैं तो कहता हूँ जहाँ समझने की जरूरत है समझें, और जहाँ ऐसा लगता है कि सामने वाले को समझाना जरूरी है तो समझा दें। लेकिन अक्सर ये होता है कि लोग एक दूसरे को समझते कम हैं, समझाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा प्रयास प्रायः हमें विफल करता है। इसलिए हमें जहाँ जैसी आवश्यकता हो वहाँ करना चाहिए। खासकर घर परिवार की बात में कहूँ, छोटे बच्चों को आप समझा सकते हैं, थोड़ा वयस्क हो जाएं तो समझाने के साथ साथ उनकी भावनाओं को समझने की भी चेष्टा करनी चाहिए। पूज्यदेव भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती अनीता जैन कह रही हैं, गुरुजी मेरी जिज्ञासा यह है कि अकल शब्द में कोई मात्रा नहीं है पर यह अलग अलग मात्रा में हर शब्द में मौजूद रहता है, क्या बात है? तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपनी अकल की मात्रा कम कर सकें? अकल में कोई मात्रा नहीं है लेकिन अलग अलग स्वरूप में हर मात्रा में हर किसी के अंदर है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी अकल की मात्रा कम हो जाए? कुछ नहीं करो, अकले हुए मुर्दे को देख लो। क्या बोल रहा हूँ? मुर्दे को देखो। मुर्दा कैसा होता है? अकड़ा हुआ होता है ना। बस जिस दिन मुर्दे को देख लोगे तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तो जीवन का सत्य है। किसी की ये पंक्ति बहुत सार्थक है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है कि जिसमें जान है। हम एक मुर्दे को देखें और समझ ले सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। कब तक है? जो व्यक्ति खूब अकड़ कर चलता था, जब श्वास निकलती है प्राण निकलते हैं तो सब अकड़ धरी रह जाती, खाक में बदल जाता है। जीवन के सत्य को सामने रखकर चलने वाले मनुष्य के हृदय में कभी अकड़ पनप नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव गोपालगंज सागर से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव चाणक्य शब्दों में बैलगाड़ी से पांच हाथ, बैलगाड़ी से पांच हाथ, घोड़े से दस हाथ, हाथी से सौ हाथ और दुष्ट दुराचारी से इन सभी से ज्यादा अधिक दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके लिए यदि वह क्षेत्र भी छोड़ना पड़े तो तत्काल छोड़ देना चाहिए। तो गुरुदेव आज की परिस्थितियों में इसका क्या पैमाना होना चाहिए? बिल्कुल ये नीति के वचन है और बिल्कुल सही है। बैलगाड़ी से पांच हाथ, घोड़ा गाड़ी से दस हाथ, हाथी से सौ हाथ। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्राणी हमें उतनी ही क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैल को ज़्यादा समय लगता है, घोड़े को और कम, और हाथी अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो उससे बचाव के लिए इतनी दूरी रखे और दुष्टों से इससे भी ज़्यादा दूर यदि जरूरत पड़े तो क्षेत्र भी बदल ले। बिल्कुल, जहाँ रहने से हमारी प्रगति रुकती हो, जहाँ रहने से हमारे जीवन में अशांति और उद्वेग बढ़ता हो, ऐसे स्थान को छोड़ देने में ही हमारी खैरियत है। पूज्यदेव कटनी मध्य प्रदेश से संचित जैन कह रहे हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि पर्वराज पर्युषण में पर्व पर्युषण शब्द का क्या अर्थ है और इसे पर्व क्यों कहा जाता है, कृपया समझा। पर्युषण का मतलब क्या? परि आसमंतात उष्णन्ति दह्यन्ते ज्ञानावरणादि कर्माणि यस्मिन् पर्वणि तत्पर्युषणम्।
जिसमें सब प्रकार से हमारे कर्म जलते हैं उसका नाम पर्युषण है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, जिससे हमारे मन का प्रदूषण मिटता हो उसका नाम पर्युषण है, अथवा जिसमें पुण्य का पोषण हो और पाप का शोषण हो उसका नाम पर्युषण है। ये अधर्म से धर्म की यात्रा है। आपने कहा इसे पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं? पर्व का मतलब होता है संधि, पर्व का मतलब होता है जो ऐसी तिथि जिसमें हमारी संस्कृति की कुछ विशेष बात जुड़ जाए तो पर्व ही है। ये हमारे लिए इसलिए पर्व नहीं, महापर्व है, क्योंकि इसका संबंध युगारंभ से है। नई सृष्टि का नए तरीके से आविर्भाव हुआ तो हमने इसका स्वागत धर्म के साथ किया और वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पर्व बन गया। पर्व नहीं, महापर्व, पर्वाधि राज बन गया। पूज्यदेव, दमोह मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर भागचंद भागेंदु, निर्देशक संस्कृत प्राकृत तथा जैन अनुसंधान केंद्र, भूतपूर्व सचिव मध्य प्रदेश शासन संस्कृत अकादमी भोपाल। इनका कहना है गुरुदेव कि जैन धर्म की प्रमुख भाषा प्राकृत भाषा है। इस भाषा का समृद्ध इतिहास रहा है देश काल के अनुसार। इसके मागधी, अर्धमागधी, सौर सैनी आदि कई रूपांतरण हुए हैं। भारत के विश्वविद्यालयों में प्राकृत भाषा के शिक्षण हेतु विभागों का गठन कर विद्वानों की नियुक्ति भी की गई, जिससे कई वर्षों तक प्राकृतिक भाषा का शिक्षण सुचारू रूप से चलता रहा। परंतु एक पीढ़ी के विद्वानों के सेवानिवृत्त होने पर नई नियुक्तियां नहीं होने से ये विभाग खाली पड़े हैं, जिसे प्राकृत भाषा का शिक्षण विश्वविद्यालयों में अवरुद्ध हो गया है। गुरुदेव, कृपया प्राकृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन करें कि समाज को किस प्रकार प्रयास करना चाहिए ताकि सभी विश्वविद्यालयों में प्राकृत भाषा का शिक्षण पुनः चालू हो। देखिए, प्राकृत हमारी पहचान है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों का भी जो उपदेश हुआ वो अर्धमागधी प्राकृत में हुआ, सर्वाधमागधी भाषा, आधी मागधी, आधी सर्वभाषाओं। हमारा मूल मंत्र नमोकार प्राकृत में है। जिनका मूल मंत्र ही प्राकृत में है तो हम समझ लें कि हमारा प्राकृत से कितना गहरा संबंध है। हमारे सभी प्रधान ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं, जिसे सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया ऐसा षटखंडागम प्राकृत में। कसाय पाहुड़ जो मूलभूत सिद्धांत ग्रंथ है वो प्राकृत में है। आचार्य कुंदकुंद जिन्होंने संपूर्ण अध्यात्म का प्रवर्तन किया, जिनके अभाव में आज हमारे पास कोई तत्व ही नहीं बचता, उनके सभी ग्रंथ प्राकृत में है। तो प्राकृत में तो हमारी संस्कृति का प्रवाह है। हमें प्राकृत को पूरी तरह से समझना होगा, समझना ही नहीं आत्मसात करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक समय तक जागरूकता थी और उस पीढ़ी के विद्वानों के रिटायरमेंट के बाद नए विद्वानों की नियुक्ति न होने से प्रायः विश्वविद्यालयों में प्राकृत के स्थान खाली पड़े हैं। और उसके दूसरे कारण और भी हैं। प्राकृत जैन दर्शन से अध्ययन करने वालों की संख्या भी दिनों दिन कम होते जा रही है। जिन स्थानों में है वहाँ विद्यार्थी नहीं है तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो भी बंद हो जाए। इसलिए एक सुझाव मैं दूंगा, लोग प्राकृत को पढ़े, प्राकृत को पढ़े, जैनोलॉजी को पढ़े, जैन दर्शन से एमए करे, प्राकृत से एमए करे। इससे घर बैठे आपका स्वाध्याय भी होगा और आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकेंगे। आज अर्थ करी विद्या होने के कारण लोगों का इस तरफ रुझान नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पढ़ लिख जाने के बाद इससे हमारा कैरियर का क्या होगा, जीविका की कोई साधन नहीं मिल पा रहे हैं। आजकल लोगों के लिए पढ़ाई के पीछे सबसे पहला दृष्टिकोण होता है अच्छा पैकेज किस में मिले, सुनिश्चित नौकरी किस से मिले। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, फिर भी आपको प्राकृत पढ़ना चाहिए। मैं महिलाओं से खास कर कहना चाहता हूँ, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्राचार से भी प्राकृत और आपके जैन दर्शन की पढ़ाई कराई जाती है। आप उन सबसे संबद्ध होइए और विश्वविद्यालयों से जुड़ करके प्राकृत का अध्ययन करें। प्राकृत एक समय था जब जन जन की भाषा थी और हमारे आचार्यों ने जन भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया। तो जो जन भाषा थी प्राकृत से संस्कृत आ गया और आज संस्कृत से हिंदी और हिंदी भी आप अपनी सबसे दयनीय दशा
दौर से गुजर रही है, तो हमें इनमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, एक जागरूकता का अभियान चलाने की जरूरत है, तभी हम सारी व्यवस्थाएं ठीक कर पाएंगे। सुजुरदेव लंदन से श्री नितिन जी अजमेरा की माता श्री एवं अशोक जी अजमेरा पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु करते हुए उन्होंने पूछा है गुरुदेव कि महाराज श्री क्या सहस्रनाम स्तोत्र आदिनाथ भगवान तीर्थंकर के लिए ही है या सभी तीर्थंकरों के लिए, तथा इसके पाठ का क्या महात्म्य है? ये बात है कि सहस्रनाम जो हमारे पास उपलब्ध है वो आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण के आधार पर है और वो आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, इसलिए आदिनाथ भगवान का सहस्रनाम प्रसिद्ध हो गया। पंडित आशाधर जी ने भी एक सहस्रनाम लिखा, वो भी आदिनाथ भगवान से संबद्ध होता है, लेकिन ऐसा मत समझना कि आदिनाथ ही है, आदिनाथ में 24 तीर्थंकर समाहित है और सभी तीर्थंकरों का इसमें समावेश हो जाता है। आशाधर जी ने तो सभी तीर्थंकरों के नाम उल्लेख भी किए, तो हम इसमें एक का स्मरण करें तो भी सभी का स्मरण है ऐसा मान लेना चाहिए। सहस्रनाम तीर्थंकरों के सभी नाम होते हैं और सहस्रनाम के स्तवन से तीर्थंकरों की पूर्ण स्तुति होती है। हमारे जितने भी मांगलिक अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठानों की पूर्णता सहस्रनाम पूजा से ही होती है। भगवान की पूजाओं में भी इंद्र भगवान का सहस्रनामांकित पूजन करता है। सहस्रनाम करने से, नियमित सहस्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति का अंतराय कर्म छीन होता है, विघ्न बाधाएँ दूर होती है, रुके काम आगे बढ़ते हैं, इसलिए सहस्रनाम नियमित पढ़ना चाहिए। पूज्य प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से कह रहे हैं जी, गुरुदेव नमोस्तु, आचार्य श्री की दूरदृष्टि प्रेरणा व मजबूत योजना से 24 अगस्त 2015 को जयपुर राजस्थान से धर्म बचाओ आंदोलन के शंखनाद से पूरे विश्व के जैन आगे बढ़े व आंदोलन को सफल बनाया। गुरुवर अब मिशन धर्म बढ़ाओ के प्रथम चरण में आपके मार्गदर्शन व सकारात्मक परिकल्पना के आधार पर जैन जनगणना का कार्य माननीय प्रदीप सिंह जी कासलीवाल व उनके सहयोगियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से करवाया जा रहा है। महाराज जी वर्ष 2021 में होने वाली सरकारी जनगणना में श्रावकों के साथ साथ साधु वर्ग की महती भूमिका पर प्रकाश डालें, जिससे जैन धर्म युगों युगों तक स्थायी व सुरक्षित रह सके। दूसरा गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आपके प्रवचन से है कि यदि ज्ञानी व्यक्ति में मैं अहंकार का होना अज्ञानता है और लोग उन्हें ज्ञानी समझकर उनके अहंकार को और पोषित करते हैं तो क्या यह भी अज्ञानता है? गुरुवर, दोनों पक्षों की अज्ञानता का परिणाम समाज को किस दिशा में ले जाएगा, कृपया समाधान करें। आपके आशीर्वाद हेतु प्रकाश पाटनी अजमेर। देखिए बिल्कुल सही बात है, आज 24 अगस्त हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन। जयपुर में मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होना है, पर गुरुदेव के ज्ञान में पता नहीं क्या संयोग था, उन्होंने हम लोगों को जयपुर भेजा और जयपुर में जो प्रसंग घटा जयपुर उच्च न्यायालय के द्वारा धर्म बचाओ अभियान छिड़ गया, धर्म बचाओ आंदोलन छिड़ा और पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी समुदायों के लोगों ने जिस तत्परता से अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ा उसका परिणाम हम सबके सामने है। जयपुर से जो धर्म बचाओ आंदोलन के कार्यकर्तागण थे राजेंद्र गोधा के नेतृत्व में, बहुत तत्परता से इस कार्य को किया और इस मंच से जो कुछ कहा गया सब ने उसे फॉलो किया, ये एक बड़ा शुभ लक्षण है और इस बात का प्रमाण है कि यदि किसी बड़े उद्देश्य के लिए कोई सच्चा आह्वान किया जाए तो पूरी समाज उसका अनुकरण करने के लिए तैयार है और जब जब समाज ने अनुकरण किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले। पिछले वर्ष हमने इसी संदर्भ में एक बात कही थी कि धर्म बचाओ नहीं अब धर्म बढ़ाओ की बात होनी चाहिए
और अभी हमें धर्मियों को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी संख्या अब बहुत सीमित होते जा रही है। हमारी कुल संख्या 44.46 लाख हो गई, बहुत थोड़े से हैं हम उंगलियों में गिनने लाए। और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में हमारी स्थिति और कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से रेशियो बहुत कम है, फर्टिलिटी रेशियो कम है। इस संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं पहले हुई और हमने जैन जनगणना जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें भागीदारी की। प्रारंभ में ये सोच बनी थी कि जैन समाज के स्तर पर इसकी जनगणना कराई जाए, लेकिन बाद में विशेषज्ञों से राय लेने के बाद सबकी यही सहमति बनी कि हम सामाजिक स्तर पर कितनी भी जनगणना क्यों न कर लें, सरकार इसे मान्यता नहीं देगी। हमें सरकारी स्तर पर जनगणना को ध्यान में रखना होगा और तब इसका नामकरण परिवर्तित करके जैन जनगणना जागरूकता अभियान दिया। प्रदीप सिंह जी कासलीवाल को इसका नेतृत्व दिया गया, वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे। लक्ष्य तो यही था कि इस वर्ष के पर्यूषण से हम इस अभियान को गति दें, पर कोरोना के संकट को देखते हुए लगता नहीं है कि 2021 में जनगणना शुरू हो पाएगी। और जब भी जनगणना शुरू हो, हमें समाज में एक बड़ी जागरूकता उत्पन्न करनी है, एक ऐसी लहर कि हर कोई जनगणना में हिस्सेदार बने। वक्त पर फिर आपको जगाएंगे, क्योंकि अभी से बोलने से उसका कोई औचित्य नहीं, हालांकि विभिन्न माध्यमों से वो निरंतर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर हमने सोचा है कि 3 महीने का समय बहुत होता है। आप 3 महीने में पूरे देश में एक लहर उत्पन्न कर दे कि हर कोई जनगणना में हिस्सेदार बने। और केवल नाम जैन लिखने से काम नहीं होगा, आप जैन लिखो न लिखो, जनगणना से उसका कोई संबंध नहीं। धर्म के कॉलम 6 में आपको अपना नाम डालना है, वहां चिन्ह बनाए। कॉलम संख्या 6 में अगर आपका नाम होगा तो आप जैन गिने जाएंगे। तो इसे आप सबको ध्यान रखना है। और ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है, हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे लोग जैन लिख दें और जनसंख्या बहुत ज्यादा दिखने लगे तो शायद सरकार उस पर भी कैंची चला दे। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, इस अभियान का हमें हिस्सा बनना है और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़कर आगे सब काम करना है। हमारी एक ही भावना है कि समाज की वास्तविक जनगणना का हमें पता लगे और इसके साथ साथ समाज का एक आंतरिक सर्वे हो, जिसमें जो भी समाज के कमजोर लोग हैं उनको संरक्षण दिया जा सके, क्योंकि धर्मी बचेगा तभी धर्म बचेगा। फिर कभी इस संदर्भ में आप सबसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब समय हो तभी चर्चा करने का परिणाम है। जो सवाल किया है कि ज्ञानी जन अगर अपने अहम को प्रकट करे और यह उनकी अज्ञानता है, तो उसे पुष्ट करने वाले लोगों की अज्ञानता नहीं है क्या? निश्चित वो भी अज्ञानता है। अज्ञानी को अज्ञानी ही राह दिखाते हैं, क्या करेंगे? अंधों को अंधे ही राह दिखाएंगे तो कोई उपाय नहीं है। दोनों की दशा एक ही सी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी तो टके शेर खाजा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। जी, मैं उदय आपकी अनुमति से यहाँ कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। प्रथम क्रम में कुमार कुणाल जैन, सुपुत्र मुकेश कीर्ति, मेट्रो गुणाटन स्ट्रेटी दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा गुणाटन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जैसे ही हम अपने आप को किसी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, हम अपनी सोच उसी तरफ स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। अगर मैं भारतीय हूं तो मैं भारत के हित में सोचूंगा, अगर मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर के जैसे सोचूंगा,
अगर इंसान हूं तो इंसान के हित में, और अगर आत्मा हूं तो अजर अमर जैसे, अगर भगवान हूं तो सिद्ध जैसे। आज के काल में हमने अपनी आइडेंटिटी धर्म जात पात से जोड़ ली है। हमारी असली आइडेंटिटी तो शुद्ध शांत शक्तिशाली आत्मा की है, पर गुरुदेव बचपन में ही हमें हमारी आइडेंटिटी दे दी जाती है हमारे नामों के स्वरूप में, और हम उसी आइडेंटिटी को लेकर जिंदगी भर जस्टिफाई करते रहते हैं, और हम अपना विकास सिर्फ अपनी आइडेंटिटी के घेरे में रहकर ही करते हैं। गुरुवर, इससे जुड़े मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, क्या बचपन में ही किसी बच्चे को आइडेंटिटी देना सही है? क्या उसको बचपन से ही आत्मा की आइडेंटिटी नहीं देनी चाहिए? दूसरा, नाम बड़ा या मान? तीसरा, इंसान बड़ा या पहचान? वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपके प्रश्न में पूरी तरह दार्शनिकता की झलक है। निश्चित जिस तरह की आइडेंटिटी हमें दे दी जाती है वो हमें कूप मंडूक बना देता है, और व्यक्ति उसी घेरे में जीता है। यथार्थ देखा जाए तो यही हमारी अहंकार की परिणति है। आपने पूछा है कि क्या बचपन से ही व्यक्ति को उसकी वास्तविक आइडेंटिटी का बोध नहीं कराना चाहिए? कराना ही चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को बचपन से ही सिखाए कि तो शुद्ध आत्मा है। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी इतिहास मिलते हैं, आचार्य कुंदकुंद की माँ ने अपने बेटे को लोरियों में सुनाया था, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया विनर्गतो सी। तो शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा है, संसार की माया से निकल गया है। ये बोध जिस माँ ने अपने बच्चे को लोरी में दिया, वो बच्चा अगर अध्यात्म का प्रवर्तक बन जाए तो क्या आश्चर्य। लेकिन विडम्बना ये है कि सब मोह जाल में फंसे हैं, तो मोह जाल में फंसे होने के कारण सब चीजों को उसी एंगल से देखते हैं। तो पहली बात, यथार्थ में हमें प्रारंभ से ही ये बोध देने का प्रयास करना चाहिए, गर्भ से ही ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात, नाम बड़ा या मान? देखिए, नाम बड़ा और दर्शन छोटा तो कोई काम का नहीं है। हम न नाम को बड़ा कहेंगे न मान को बड़ा कहेंगे, ज्ञान बड़ा है। और इंसान बड़ा या पहचान? सच्चे अर्थों में हमारी, आपने जिस पहचान को बाहरी बना रखी है वो पहचान व्यर्थ है, उसकी तुलना में इंसान। गुणायतन ट्रस्टी अंजु जैन, गुरुग्राम हरियाणा। सुनील, हमारे जीवन में कुछ ऐसे अपरिचित लोग आते हैं जिनसे हमारा संपर्क 1-2 दिन या कुछ क्षणों का होता है, जैसे कुछ सर्विस की डिलीवरी हो या किसी प्रोडक्ट को खरीदते समय, और हम उस समय यदि कोई धोखाधड़ी होती है या फिर गैर जिम्मेदारी होती है तो हम ये मन में तो ये विचार आता है कि उस पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, उसमें जो कर्म बंधेंगे उसका नुकसान ज़्यादा है। लेकिन दूसरा विचार ये आता है कि यदि हमने अभी विरोध नहीं किया तो ये किसी और के साथ भी करेगा, और हम कृत्रिम गुस्सा करते हैं। पर गुरुदेव, उससे हम कभी अपने गुस्से का चयन, वो तो चला जाता है, कभी उससे हम क्षमा नहीं मांग पाते हैं, तो वो वाला बेर कैसे खत्म करें? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, कोई अनजान व्यक्ति के साथ जब कभी भी ऐसी बात हो तो इसे सहज भाव से स्वीकारना चाहिए। अनुभव की कमी, अपरिचय के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ तो सबसे अच्छा इससे बचने की एक भावना है, मैंने भी कभी उसके साथ ऐसा किया होगा, शायद हिसाब चुकता हो गया। कर्म का उदय था, नज़रअंदाज कर लो, मन में कोई गांठी नहीं बंधेगी तो क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। लेकिन यदि इसके बाद भी मन में गांठ बंधती है और लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ, तो बाद में इसी भावना को और दृढ़ करके, भाई जो होना था सो हो गया, आगे हम ध्यान रखेंगे, चलो हमारा कर्ज उतरा, ये सोच बनेगी तभी गांठ खुलेगी और हमने उसे क्षमा किया, क्योंकि उसने अपराध किया, हमने नहीं किया।
तो हमें क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना है। और क्षमा करने के लिए सामने वाले की उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, उसको हमें अपनी स्मृति से हटा देना ही क्षमा। बंधुओं, गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित भावना योग का प्रतिनिधि गीत मंगल भावना आज काफी लोकप्रिय हो गया है और पूरे देश में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे सुर और साज दिया है। परंतु आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं उन श्री सुनील रांगेलिया जो कटनी के हैं, इन्होंने विशेष बांसुरी की सहायता श्री मुरली नागराज जबलपुर और गायिका के रूप में डॉक्टर तापसी नागराज जबलपुर को लेकर के एक बहुत सुंदर प्रस्तुति की है मंगल भावना की मंगल गीत के रूप में, और आज उसका लॉन्च होगा जिसका कि वह यहाँ प्रदर्शन करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुमील रांगेलिया और उनके सहयोगियों को कि वे आकर के अपना परिचय देते हुए आज उसकी प्रस्तुति यहाँ करें। सुनील जी कृपया परिचय दे दें आप अपने सहयोगियों का। फोन में लॉक लग गया। आप लोग परिचय दे दें। माइक ऑन कर दीजिए। हेलो, गुरुवर को प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर तापसी नागराज जबलपुर से आई हूँ। संगीत आप ये कह सकते हैं मेरी ज़िंदगी है, संगीत के बिना मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ। जबलपुर में एक कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ और मैं धन्यवाद कहूँगी सुनील भैया को, सुनील रांधेलिया जी को, और गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने इस गीत को गाया, जिसको गाते हुए मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या भाव उत्पन्न हुए। और मेरे साथ में मेरे पति श्री मुरलीधर नागराज जी हैं जो बांसुरी पे हैं, और आज मैं इस गीत से ये जो गाने बने हैं इसका उद्घाटन कर रही हूँ। सुनील भाई आप कुछ कहेंगे? ट्रैक प्लीज। मंगल में
कल्याण कथा थानी से अभिनंदन कीजिए बंधु। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कटनी समाज के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार को और श्री संतोष कुमार जी मालगाजार अध्यक्ष जैन पंचायत कटनी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी धर्म प्रवाह समिति के मुख्य संयोजक और श्री सेठ सुभाष जी निदेशक धर्म प्रवाह समिति, हमारे श्री सुनील जी रांगेलिया, मुरली जी नागराज जबलपुर और गायिका डॉक्टर तापसी नागराज जबलपुर का भावभीना स्वागत करें बंधु। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भावना योग की प्रतिनिधि गीत मंगल भावना का जो उन्होंने स्वर दिया है और जो साथ दिया है और इसमें साथ में धर्म भावना समिति के महामंत्री श्री प्रमोद जी कक्का को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी हमारे इन उत्साही और गुरु भक्त लोगों का सम्मान करें। ये हम जितना भी सम्मान करें कम है और करतल ध्वनि सम्मान कर दीजिए बंधु। अभी तो ऐसा स्थिति है और गुरुदेव से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से उनको जरूर उपकृत करें। गुरुदेव अरे भैया हेलो, मैं शकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, धर्म प्रभावना समिति की ओर से और पंचायत समिति की ओर से भाई सुनील जी के साथ साथ हमारे बीच में जबलपुर से पधारी हुई प्रोफेसर डॉक्टर तापसी नागराज और मुरलीधर नागराज जी, दोनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सुनील भैया तो पुराने संगीतकार हैं, गायक हैं महाराज जी, पूरे मंच पे इनकी छवि अलग ही रहती थी। शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन शेर तो शेर ही कहेगा। आज उन्होंने जो प्रस्तुति दी उनके प्रति हृदय से पूरी समाज आभार व्यक्त करती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी और संगीत को उसकी मौलिकता के साथ बांधा है, बहुत अच्छा। आपका ये प्रयास सबके मंगल भावना की वृद्धि का कारण होगा। मैं अच्छा, आप लोग कोई जिज्ञासा हो तो आप जिज्ञासा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना, कोई प्रश्न आप लोग में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो सादर आपको स्वागत है, आपके प्रश्न का हम स्वागत करेंगे। हाँ श्री नागराज जी, श्री मुरली नागराज जी शायद कुछ प्रश्न रख रहे हैं अपनी भावना। आचार्य गुरुवर को सादर प्रणाम और यहां बैठे सभी भक्तजनों को जय जिनेन्द्र। हमारी अभिलाषा ये है कि ये जीवन जो है ये संगीत के साथ और प्रभु की आराधना के साथ बीते और हमें आप ये आशीर्वाद दें कि हम अपने सभी कामों में ईमानदारी से और सफलता के साथ काम करें। बहुत बड़ा आशीर्वाद। चलिए और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुछ बोल रहा है। हाँ श्रीमती डॉक्टर तापसी नागराज जी बोल रही हैं। गुरुवर के आशीर्वाद से मुझे ये गाना गाने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस गीत को गाने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तापसी जी। सुनील, हाँ सुनील जी कुछ बोल रहे हैं। गुरुवर के चरणों में नमस्तु। ये मेरे जीवन का बहुत सौभाग्यशाली क्षण है कि मुझे मंगल गीत स्वर देने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपकी भावना का समादर करते हैं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और इसी साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती कीर्ति मुकेश मेट्रो डेली गुनाटन ट्रस्टी जो अपने मत प्रश्न रखेंगी। यहाँ श्रीमती कीर्ति जी,
नहीं है क्या? चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती संगीता अनिल कुमार कटनी। शीघ्रता से बोलो। हाँ। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर पारमार्थिक ट्रस्ट लंदन यूके से सभी ट्रस्टी एवं भक्तों की ओर से कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, क्या किसी स्थान पर अस्थायी रूप से श्री जी विराजमान करें, बाद में दूसरा बड़ा स्थान लेकर बड़ा मंदिर बनाएं, तो क्या वह पुराना स्थान बेच सकते हैं जिसमें श्री जी विराजमान किए थे? देखो, अगर आपने कोई स्थायी मंदिर बनाया तो उस मंदिर को हमें स्थायी रखना चाहिए, लेकिन यदि तात्कालिक काम चलाने की भावना से कोई अस्थायी मंदिर बनाया हो और ये संकल्प के साथ कि जब हमें अपने अनुकूल भूखंड मिलेगा हम विशाल मंदिर बनाएंगे, तो इसे स्थानांतरित करने में कोई दोष नहीं। कई जगह ऐसा हुआ, एक स्थान पर लोग मंदिर बनाना चाह रहे थे, पैसे उनके पास रखे थे, लेकिन जैसा प्लाट वो चाह रहे थे वैसा प्लाट मिल नहीं रहा था, जो प्लाट मिला था वो मंदिर के लायक नहीं था, जैसा वो मंदिर चाहते थे वैसा नहीं था। मुझसे कहा, हमने कहा एक काम करो, अभी तुम लोग काम चलाने के लिए एक टीन शेड बना के छोटा सा मंदिर बनाओ, कम से कम दर्शन तो होंगे, और इस संकल्प के साथ बनाओ कि जब हमारे लिए अच्छी जगह मिल जाएगी तो हम इसे स्थानांतरित कर देंगे। लोगों ने कर लिया। अब भगवान विराजमान करने के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जो सौदा उनका पट नहीं रहा था उसका ऑफर आने लगा है, और बहुत जल्दी उसको वो लोग करने वाले हैं। तो ये चीज़ें ऐसी बनती है, हमारे संकल्प के साथ है, हमने अस्थायी रूप से किया। जैसे कहीं पूजा विधान करते हैं तो 10-15 दिन के लिए हमारा अनुष्ठान होता है, उस पंडाल में हम श्री जी को विराजमान करते, एक अस्थायी मंदिर बन जाता है, बाद में उसको हटाते हैं ना। तो इसी तरीके से धार्मिक कार्यों में अगर इस तरह का संकल्प लिया जाए, हमने अस्थायी मंदिर बनाए चैतालय है केवल दर्शन पूजन की भावना से, तब तक के लिए जब तक कि हमें मंदिर के अनुकूल स्थान न मिले, तो आप ऐसा करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है। उस भूखंड का आप विस्तारीकरण कर रहे हैं, सारा कार्य अपने संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। हम जिस तरह के संकल्प में जीते हैं वैसा सारा कार्य होता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य ईश्वर मुनिवर अरह सागर जी महाराज की।